गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। गुरुग्राम में 4 करोड़ रुपए की हुई प्रोफाइल चोरी मामले में एसटीएफ के सामने डॉक्टर ने कई बड़े खुलासे किए। फिलहाल मुख्य आरोपी डॉक्टर सचिंदर जैन नवल को जेल भेज दिया गया है और अब जो खुलासे डॉक्टर से हुए थे उसी आधार पर एसटीएफ इस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। गुरुग्राम के खिड़की दौला इलाके में हुई करोड़ों रुपए की चोरी मामले में एसटीएफ ने मुख्य आरोपी डॉक्टर से पूछताछ के बाद अब उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले में कुल 6 लोगों को एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है जिसमें 2 डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ के मुताबिक ये दोनों डॉक्टर ही चोरी के मास्टरमाइंड हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1.9 करोड़ कैश, 1.25 करोड़ का 3 किलो सोना और 45 लाख कीमत के $ बरामद किए गए। फिलहाल डॉक्टर सचिंदर जैन नवल ने जो एसटीएफ की गिरफ्त में आने के बाद जो खुलासे किए हैं उससे कई नेता और अधिकारियों के गले पर तलवार लटक सकती है। इस मामले में गिरफ्तार डॉक्टर सचिंदर जैन नवल और डॉक्टर जेपी सिंह शहर के नामी डॉक्टर हैं। दोनों ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में तैनात विकास गुलिया और गैंगस्टर विकास लगरपुरिया के साथ इस हाई प्रोफाइल चोरी की साजिश रची थी। 309 नंबर का एफआईआर दर्ज हुआ था खिड़की दौला पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में, जिसकी तफ्तीश गुड़गांव पुलिस कर रही थी। उस पर तफ्तीश करते हुए एसटीएफ ने 2 जनों को गिरफ्तार किया। सबसे पहले एक संदीप बुधवार अलेस नेटू और एक डॉक्टर अश्विनी तहला, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वैसे वो सरेंडर हुए थे। ये मामला था चोरी का। एक अल्फा जी कंपनी है, उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था। वो पैसा क्या था नहीं था वो कंपनी ने कोई क्लियर डिटेल नहीं दे रखा था। सिर्फ एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट एक 50 लाख का दिखाया हुआ, 50 लाख की चोरी हुई उसने। उसके बाद हमने 2 संदीप बुधवार और अश्विनी तहलान को गिरफ्तार किया है। उनसे कुछ डिफरेंट स्टोरी सामने आई है। इस पूरे मामले में एसटीएफ काफी गहनता से मामले की जांच कर रही है, जिसमें आरोपी संदीप और नीटू के बयान के आधार पर पता चला कि डॉक्टर जेपी सिंह ने डॉक्टर सचिंदर नवल को इस बड़ी रकम की जानकारी दी। इसके बाद सचिंदर जैन ने इसकी जानकारी गैंगस्टर विकास लगरपुरिया को दी और करोड़ों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। एसटीएफ को आशंका है कि यह पैसा काला धन हो सकता है। दरअसल कंपनी ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसमें राशि का जिक्र नहीं किया गया था। वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट।